हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सूरज पटेल एजुकेशन पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें केटी लग चुका है। यस दोस्तों, अगर आप टीवाई में हो, एमकॉम में हो, ठीक है, या बीए के स्टूडेंट हो, आपको फिफ्थ सेम में केटी लगी हुई है, सिक्स सेम में केटी लगी हुई है, और आप इंतजार कर रहे हो केटी के फॉर्म का या रिवेल्यूशन फॉर्म का, या आपको फोटो कॉपी चाहिए। देखो, अभी तक तो केटी का फॉर्म फिलअप इधर नहीं हुआ है। इधर जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ रिवेल्यूशन दोस्तों क्या है, काफी लोग को कंफ्यूजन है कि भाई आपने जो पेपर दिया है, आपको लगता है कि ज्यादा मार्क्स आ सकता है मुझे पेपर में, सर लोगों ने कम मार्क्स दिया, तो आप अपने पेपर को बोर्ड को फिर से रिवेल्यूशन में डाल के दे सकते हो, कॉलेज को रिवेल्यूशन में डाल के दे सकते हो कि एक बार फिर से मेरे पेपर को चेक किया जाए और प्रॉपर चेक करके मुझे मेरा जो सही मार्क्स है वो दिया जाए। मार्क्स बढ़ भी सकता है और मार्क्स कम भी हो सकता है, जैसा आपने पेपर लिखा होगा आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे। या तो आप अपने पेपर का फोटोकॉपी मंगा सकते हो कि पहले आप खुद ही चेक करना चाहते हो कि मैंने पेपर में क्या लिखा है, मुझे कॉलेज वालों ने या यूनिवर्सिटी ने मार्क्स प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया, और उसके बाद आप अपना पेपर रिवेल्यूशन में डालना चाहो तो रिवेल्यूशन में डाल सकते हो। आपको दोनों ऑप्शन है दोस्तों। अभी जो रिवेल्यूशन के लिए निकला हुआ है ये बीए इन मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट है सेम फिफ्थ के, ये उनका निकला है दोस्तों। इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट हाफ में टीवाई बीए के सेम फिफ्थ का भी निकाला था, टीवाई बीए सेम सिक्स सॉरी सेम सिक्स आइडियल का निकाला था, और पीवाई बी ए सेम फाइव का भी उन्होंने अपना रिवेल्यूशन और फोटोकॉपी का लिंक निकाला था, और वो हो चुका है। इस वजह से इधर से लिंक जा चुका है। तो एक स्टूडेंट का मेरे से सवाल था कि सेम सिक्स का रिवेल्यूशन का मतलब पीवाई बी ए सेम सिक्स का रिवेल्यूशन का कब आने वाला है, मतलब लिंक कब आएगा, कब हम क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं काफी दिन से इधर अपडेट नहीं दे पा रहा था, तो बता दूं मुझे ऐसा लगता है कि टी वाई बी ए सेम सिक्स का फॉर्म फिलअप का डेट जा चुका है, क्योंकि अगर होता तो वो इस लिस्ट में होता। अभी लिस्ट में सिर्फ तीन चीज ही अवेलेबल है, अगर आने वाला रहेगा तो फिर से इधर ऐड होके आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आइडियल के जो स्टूडेंट थे सेम सिक्स का, उनका फॉर्म फिलअप फर्स्ट हाफ में इधर ही हो रहा था, और उनका फॉर्म फिलअप हो चुका है, डेट जा चुका है, इसके लिए इस लिस्ट से उनका नाम हट चुका है। तो पहले इधर आपको अपना टी वाई बी ए का सेम सिक्स का भी लिस्ट दिख रहा था, अभी इधर नहीं दिख रहा, मतलब उसका लिंक ओपन हुआ है और वो जा चुका है। अच्छा, इसके बाद अपना बी ए का आपको मैंने बता दिया, अपना बी एड के जो स्टूडेंट है उनका भी चालू है, आप जाके इधर क्लिक कर सकते हैं। अभी इधर बी एस सी आई टी के जो स्टूडेंट है उनका होल्डिंग पे दिया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। एम कॉम सेम फोर और एम कॉम सेम टू का भी लिंक आना बाकी है, तो एमकॉम के स्टूडेंट को अगर केटी लगी है तो आप वेट कर लीजिए, कुछ टाइम में ही आपका ये लिंक चालू हो जाएगा। हो सका तो मैं अपडेट दे दूंगा इस चैनल पे, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूले, जैसे ही अपडेट आएगा मैं उस समय दे दूंगा। अच्छा, नीचे हम चलते सेकेंड हाफ पे भी देख लेते हैं कि सेकेंड हाफ पे किन किन लोगों का ओपन हुआ है। तो दोस्तों सेकेंड हाफ पे मास्टर इन कंप्यूटर सेम वन का ओपन हुआ है लिंक, ठीक है, मास्टर इन कंप्यूटर सेम टू का लिंक ओपन हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर सेम थ्री का हुआ है, बी एस सी आई टी सेम फाइव का बाकी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर सेम फाइव का बाकी है, बी एड का बाकी है, बी कॉम सेम फाइव का बाकी है, ठीक है, टी वाई बी ए सेम फाइव का बाकी है, टी वाई बी ए आइडियल का भी बाकी है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, यही जो लिंक है ना ऊपर पहले दिखा रहा था, ठीक है, सेम सिक्स का, ठीक है, आइडियल का ओपन भी हुआ था सेम सिक्स का, और वहां से वो हट चुका है, तो मतलब टी वाई बी ए का भी सेम सिक्स का वहां से हट चुका है। तो जो स्टूडेंट को अगर वो डाउट है, एक बार यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए या कॉलेज में विजिट कीजिए। बी कॉम आइडियल का अभी भी बाकी है, ठीक है, ईयरली पैटर्न के जो स्टूडेंट है, एम ए का भी बाकी है पार्ट वन, एम ए पार्ट टू का भी आइडियल के बच्चों का बाकी है, एम ए सेम थ्री सी बी एस ई पैटर्न का भी बाकी है अभी भी, मास्टर इन कंप्यूटर सेम वन का, ठीक है, अभी तक बाकी है। तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको ये लिंक मिल जाएगा, और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं तो ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है। अब जो भी कोर्स है उस कोर्स का टेलीग्राम चैनल मेरा पर्टिकुलरली बना हुआ है, आप उधर जाके देख सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए तो मेरे वेबसाइट आप जा सकते हो सूरज पटेल एजुकेशन, कोई भी पोस्ट ओपन करना। और एक चीज, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज बता दो दोस्तों,
कि ये सूरज पटेल एजुकेशन में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, चाहे आप एम कॉम पार्ट वन हो, अपना एफ वाई बी कॉम हो, एस वाई बी कॉम हो, जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो दोस्तों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। एक एक क्वेश्चन करके मैं अपलोड कर रहा हूँ वेबसाइट पे, तो आप इसे क्लिक कीजिए, ओपन होगा ऐसे काफ़ी लोगों का, हर कोर्स का। मेरा नेट इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा इधर दिखा रहा है, तो आप क्लिक कीजिए, ओपन होगा और उधर जाके आपको नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इधर मेरे वेबसाइट पर दे रहा हूँ, आप उधर रीड भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी का समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तो इधर फिलहाल दो ही लिंक चालू है, तो जो बच्चे मेरे से बीकॉम का पूछ रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि बीकॉम का ऑलरेडी ओपन हो चुका था और वो फिलअप फॉर्म भी हो चुका है रिवैल्यूएशन का, और उसको इस वजह से ये लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर बीकॉम का क्यों नहीं दिखा रहा, तो भाई बीकॉम का सेम सिक का हो चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, वो इधर से हट भी चुका है। अगर हो सका फिर से कुछ अगर यूनिवर्सिटी एक आध महीने में डालता है तो वो इधर आपको दिखेगा, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल इस जगह पे नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर फिर भी कोई परेशानी अगर आपको हो रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं हो सका तो उसका रिप्लाई उधर आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, या तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।